साथियों, मैं अनिल विमल। साथियों, आप सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत है मोटिवेशनल विमल वीडियो में जुड़ने के लिए। साथियों, आज का जो विषय है वह है समय की कीमत और साथ में ही जीवन क्या है। इन दो विषयों को एक संयुक्त रूप देकर मैं आपसे आज थोड़ी सी जानकारी चर्चा करूंगा कि वास्तव में जीवन है क्या और जीवन को लोगों ने अपने अपने तरीके से समझा। किसी ने कहा लाइफ इज ए कंपटीशन, लाइफ इज ए रनिंग, लाइफ अपने अपने तरीके से ज़िंदगी प्रतिस्पर्धा है, ज़िंदगी एक खेल है, ज़िंदगी एक जो भी अपने तरीके से लोगों ने अपने अपने जो विचार दिए, कई लोगों ने दिए, शोधकर्ताओं ने दिए, विचारकों ने दिए, अपने अपने तरीक़ों से ज़िंदगी को समझा। लेकिन साथियों, सभी या अधिकांश का मैंने अध्ययन किया तो पाया, जो मेरी नज़र में सही लगा मुझे, कि व्हाट इज लाइफ, अगर प्रश्न दिया जाए कि ज़िंदगी क्या है, तो अगर सरल और सही व्याख्या एक सटीक करनी है तो वह यह है मेरी नज़र में कि लाइफ इज ए टाइम, या ये कहिए कि टाइम इज ए लाइफ। क्योंकि जीवन है क्या, इंसान के या किसी भी जीव के पैदा होने से मृत्यु तक के बीच का समय, पैदा होने से मृत्यु तक के बीच का समय ही जीवन। अगर समय ही जीवन है तो लाइफ इज ए टाइम, टाइम इज ए लाइफ। यानी कि हमें समय की कदर करनी होगी, समय की कीमत पहचाननी होगी। समय ही जीवन है, तो इस जीवन में, इस समय जो हमारे पास बचा है, जितना भी हम आज निकाल चुके हैं, एक मनुष्य की औसत आयु लगभग 70 वर्ष है। 70 में से 10, 20, 30, 40 आपने जितने भी निकाल दिए, तो आप जो शेष बचे हुए महीनों को गिन लीजिए, वर्षों को गिन लीजिए, महीनों को गिन लीजिए, मिनटों को गिन लीजिए, घंटों को गिन लीजिए, सेकंडों को गिन लीजिए, हर चीज़ को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, पूरे जीवन का भी कर सकते हैं और जितना शेष बचा हुआ उसका। हालांकि कल का भरोसा नहीं, एक मिनट का भरोसा नहीं, कल कुछ भी हो सकता है, आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कुछ ना भी हो, तो भी यदि हम 70 वर्ष की औसत आयु मान लें और उस औसत आयु के बीच का जो समय है, उस समय को अगर हम देखें, तो अधिकांश समय तो हम वैसे व्यर्थ गंवाने वाले हैं। कुछ हम जो है सोकर, कुछ इधर व्यर्थ चीज में। तो समय की कीमत हम ऐसा मान बैठते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि जो है पूरा जीवन पड़ा है। कहाँ है जीवन, कोई अलग से जीवन मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम जब एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको, जब हम पढ़ते थे या आप युवा आज पढ़ रहे हैं, तो आप सोचते हैं पिछले साल जैसे पढ़े, जब परीक्षा आ गई तब सोचा अरे अब तो समय बहुत कम बचा, अब तो जो है जितना भी समय बचा है उतने में ही टाइम टेबल बनाया जाए, याद किया जाए, फिर एक एक मिनट का, एक एक मतलब सेकंड का हम उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि अगले साल से मैं शुरू से ही पढ़ूंगा, शुरू से ही अध्ययन करूंगा, पूरे समय के 12 मतलब पूरे वर्ष के 12 महीने का उपयोग करूंगा, अंततः जो है उपयोग नहीं करते हम। इसलिए साथियों, इसी तरह से जीवन निकल जाता है। हमने जो है जीवन का एक एक मिनट, एक एक क्षण जो कीमती है, अनमोल है, उसको हमने व्यर्थ ही, निरर्थक ही इन चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में निकाल दिया कि कहीं पर बातें करने में, टीवी देखने में, फिल्मों देखने में, या अपने विलासितापूर्ण जीवन बिताने में, बहुत सी चीज़ों में हमने बर्बाद कर दिया। तो हमें जो है समय को जो है उपयोग करना चाहिए, समय की कीमत समझनी चाहिए। अगर वास्तव में जीवन की परिभाषा कोई सार्थक है तो यही है कि समय ही जीवन है और जीवन ही समय, टाइम इज ए लाइफ, लाइफ इज ए टाइम। तो साथियों, इस समय की कीमत पहचानिए। और इसके लिए मेरा एक सुझाव है, युवाओं से सुझाव है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, और सभी से सुझाव है मेरा ये कि हम अब कर क्या सकते हैं। तो जैसे आपने एक ताश का गेम देखा होगा, जब ताश का गेम सुना होगा कि पत्ते जब खेलते हैं तो लोग जो है पत्ते जब परसे जाते हैं, दिए जाते हैं, तो वो हमारे बस की बात नहीं है।
कि कौन सा पत्ता किसको दिया जाए या फिर वो पत्ता हमारे पास ही आ जाए और हम गेम जीत जाएं। लेकिन जब पत्ते सबके पास बट जाते हैं तो बटने के बाद जो हमारे पास पत्ते आए हैं हम उन पत्तों को देखकर तब सेट बनाते हैं और फिर ये सोचते हैं और खेल खेलते हैं कि अब जो मेरे पास पत्ते आए हैं इनसे अच्छा और बेस्ट खेल कैसे खेला जाए। इसी तरह से हम ये सोचें जीवन में मेरे पास सारी सुविधाएं, सारी अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, तभी हम ऐसा करेंगे, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास जीवन में जो भी हमारे पास आज है, समय है, पैसा है, सुविधाएं हैं, उसी सुविधाओं में हम कैसे बेस्ट अपना जीवन और उस समय का उपयोग कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट गेम खेल सकते हैं, इस जीवन का खेल को खेल सकते हैं, तो यही हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें समय की कीमत पहचाननी चाहिए। साथियों, मैं उदाहरण के तौर पे जैसे बताऊं कि एक वर्ष की कीमत किसी से भी पूछना हो तो आप एक वर्ष की कीमत किसी विद्यार्थी से पूछिए जिसका एक वर्ष अगर कम हो जाए या उसकी परीक्षा ना हो पाए और एक वर्ष उसका ड्रॉप हो जाए तो उसको कितना खेद होता है, उसको कितना कीमती होता है उसका। इसी तरह से बहुत सी जगहों पर आप देख सकते हैं, 9 महीने, अगर महीने की कीमत अगर देखी जाए, अगर किसी गर्भवती से पूछा जाए कि भाई 1 महीने और आप गर्भ को रह जाने दीजिए, 1 महीने बच्चे को और गर्भ में रख लीजिए, या एक एक जो महीने है उसकी कीमत उस गर्भवती महिला से आप पूछ सकते हैं कि वास्तव में उसकी कीमत क्या है। अगर आपको एक दिन की कीमत समझनी है तो किसी मजदूर से पूछिए जो सारे दिन मजदूरी करता है और मेहनत करने के बाद उससे कहा जाए कि आज एक दिन का क्या फर्क पड़ता है, आज एक दिन की मजदूरी मत लो, तो उससे पूछिए कि एक दिन की कीमत क्या है। 1 घंटे की कीमत यदि आपको जाननी है तो किसी भी परीक्षा देने वाले से पूछो, परीक्षार्थी से पूछिए कि क्या फर्क पड़ता है 1 घंटे से, वो 3 घंटे का पेपर देने जाता है, एक एक मिनट कीमती होता है और उससे कहते हैं आप 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है। या फिर किसी रोगी से पूछ लो, ऐसे ऐसे रोगी से पूछिए, उससे कहिए 1 घंटे आप दर्द और सह लो भाई, क्या फर्क पड़ता है 1 घंटे दर्द सहने में, तो वो कीमत जानता है 1 घंटे की। अगर 1 मिनट की कीमत आपको जाननी है तो किसी यात्री से पूछो, और वो अगर ये कहता है कि बस मैं 1 मिनट अगर और लेट हो गया होता तो ये ट्रेन छूट जाती, बस छूट जाती, या फिर मैं 1 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ और मुझसे ट्रेन छूट गई, मेरे सामने से निकल गई, तो 1 मिनट अगर मैं और आगे आ जाता तो शायद मुझे वो ट्रेन मिल जाती, बस मिल जाती और मैं अपने सही समय पर गंतव्य पहुँच जाता। 1 मिनट की कीमत उनसे पूछिए। आप 1 सेकेंड की कीमत पूछना चाहते हैं, 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड की कीमत उनसे पूछिए जो अभी अभी किसी दुर्घटना से होने से बचे हैं। यानी अगर 1 सेकेंड भी अगर वो वहाँ पर रुके रहते तो पीछे से अगर कोई वाहन चढ़ जाता उनके ऊपर, तो उनसे पूछिए अगर 1 सेकेंड अगर और ठहरे होते वहाँ, तो 1 सेकेंड की कीमत बहुत बड़ी होती है साथ। 1 सेकेंड के 100 हिस्से, उस एक हिस्से यानी 1 माइक्रोसेकेंड, उस 1 माइक्रोसेकेंड की कीमत अगर किसी से पूछनी तो किसी वैज्ञानिक से, शोधकर्ता से पूछिए कि जो शोध कर रहे हैं 1-1 माइक्रोसेकेंड की कीमत क्या होती है। तो साथियों, युवाओं, बच्चों, आप सभी से बस यही आग्रह है कि आप समय की कीमत को पहचानें, आने वाली पीढ़ियों को बताएं, युवाओं को बताएं, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कल के लिए आज ही टाइम टेबल बना लें, समय सारणी बना लें, एक पूर्व जो है अनुमान कर लें कि हमें कल ये महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इतने टाइम पे हमको ये काम करना है, ये पढ़ाई करनी है, ये हमको करना है, तो हर दिन का हमको डेली जो है टाइम टेबल बनाकर, डेली रूटीन बनाकर जो है हमें कार्य करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और इस तरह से साथियों, अब मैं ज़्यादा आपसे बातें ना करते हुए जो मैंने आज का विषय दिया था उस विषय पर ही केवल मुझे चर्चा करनी है, और आप सभी से निवेदन है कि विमल, अनिल विमल मेरा नाम है, मोटिवेशनल विमल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें।